एक गेड़ी मां सैड बिठा ला ते ने फिर जैक्स पैरो बनकर डावा डॉलर दे कलम गुरुद मेरी ठेठ सी बोली हरियाणे ते। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले करना है गाइस, इस फोटो को एडिट करने के लिए आप लोग को यहाँ पे जो है कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है। एंड जो भी स्टॉक वगैरह मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूँगा। तो यहाँ पे जो है गाइस, मैं वीडियो को जो है वहाँ पे 4-5 पार्ट में बांट रखा है गाइस, ठीक है। तो मैं उसके हिसाब से मैं वीडियो को एडिट करूँगा, तो आप लोगों को भी इसी टाइप से एडिट करना है, ठीक है। आप लोगों को 4-5 पार्ट में वीडियो को कट कर लेना है पहले ही, मतलब ऐसे टाइप में आपको शूट करना अपनी वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएगा हम पहले यहाँ पे इफेक्ट में जाएंगे, ठीक है। जो वीडियो इफेक्ट है इसमें जाएंगे, एंड इसके बाद ये वीडियो इफेक्ट में जाने के बाद आपको ट्रेंडिंग में ना पहले एक ब्लर वाले को मिलेगा इफेक्ट, आपको वो डाल देना है। एंड इसका जो लेंथ है थोड़ी कम कर लेनी है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप लोग फिर क्या करना है, यहाँ पे जो आप लोग एक प्लस का आइकन जो दिख रहा है इस पर टैप करना है। प्लस के आइकन पर जैसे टैप करोगे तो बस आपको यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ट्रेंडिंग में मिल जाएगा यहाँ पे, तो ये पुलिन वाला जो दिख रहा है आपको यही वाला रख देना है। तो पुलिन वाला है, इसका जो मतलब कि जो टाइमिंग है उसको थोड़ा कम कर लेना है, बाकी इसको प्ले करके देख लेना आप सभी को। फिर उसके बाद आप लोग को इतना हो जाने के बाद दोबारा उस पर प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे जो आपको मिक्स वाला रखना है। और फिर इतना हो जाने के बाद गाइस आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में चले जाना है, एक बार प्ले करके देख लेना आपको कि यहाँ पे इफेक्ट वगैरह जो कैसा चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। इतना हो जाने के बाद आप लोग यहाँ पे वीडियो को यहाँ पे रखना है स्टार्टिंग में थोड़ा सा, एंड उसके बाद वीडियो इफेक्ट में बॉडी इफेक्ट में जाना है। बॉडी इफेक्ट में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ये वाला फिल्टर मिलेगा, और फिल्टर नहीं इफेक्ट, आपको ये वाला इफेक्ट रखना है। एंड उसके बाद जिसकी लेंथ है वो अपने हिसाब से रख लेना, बाकी इसको हम दोबारा से प्ले करके देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इफेक्ट जो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करना, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे, एंड ये जो है ये वाला इफेक्ट रखेंगे शेक 11 वाला, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो लेंथ है इसको हम कम कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम वीडियो को प्ले करेंगे, यहाँ पे वापस चेक करेंगे कि इफेक्ट कैसा वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जो करना है यहाँ पे वीडियो इफेक्ट में जाना है। अब वीडियो इफेक्ट में जाने के बाद आप लोगों को जो है ये वाला इफेक्ट रखना है यहाँ पे, जो कि ये वाला, ठीक है। तो ये वाला इफेक्ट रखना है, बाकी आपको दिख रहा होगा कि तो मॉडल के ऊपर से जा रहा है, बट इसको मॉडल के ऊपर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे जो मॉडल का हम डुप्लीकेट बनाएंगे, जो लेयर है इसकी डुप्लीकेट बनाएंगे यहाँ पे पहले, ठीक है, कॉपी कर लेंगे। एंड इसके बाद जो वाली लेयर है इसको लेंगे, और यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा ओवरले, ओवरले कर देंगे इसको, एंड इसको ड्रैग करके इसको ले आएंगे सेम साइज़ में। फिर उसके बाद आपको उस वीडियो को टैप करना है, यहाँ पे कटआउट में जाना है, बैकग्राउंड रिमूव के ऊपर क्लिक कर देना है,